ऐसा बुरा सपना था, मुझे सपने में भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब इंसान की आत्मा पर बोझ हो तो सपने भी उसे डराने लगते हैं। बोझ? कैसा बोझ? ये तो तुम खुद जानती हो। मैं क्या जानती हूँ? यही कि रेवती के रूप में मैं निधि हूँ, निधि मेहरा। मैं किसी निधि को नहीं जानती। नहीं जानती तो फिर याद करो उस हादसे को, 20 जुलाई 1979, जब तुम लोगों ने मुझे मेरे कॉलेज के लैब में जिंदा जला दिया। मैंने कहा ना, मैं किसी निधि को नहीं जानती और मुझे कोई हादसा याद नहीं है। तुम्हें वो हादसा याद नहीं जिस हादसे ने एक मासूम की जान ले ली, एक मजबूर बाप को दर बदर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। तुम्हें वो हादसा याद नहीं? देखो रेवती, निधि कहो निधि, रेवती तो मैं सिर्फ घर वालों के लिए हूँ, तुम्हारे लिए मैं निधि हूँ। अगर तुमने अपनी जुबान नहीं खोली तो मैं तुमसे अपनी मौत का बदला लेकर, क्योंकि जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। देखो तुम जो समझ रही हो वो मैं नहीं हूँ, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हो रही, तुम मेरी मौत के बारे में जानती हो और वो बातें तुम्हें अपने पति को बतानी होगी। इसी में तुम्हारी भलाई है वरना तुम नहीं बचोगे। मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन सुशील की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। अगर मुझे मालूम होता कि तुम जैसी मुसीबत मेरे गले पड़ने वाली है तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रही, तुम्हें आगाह कर रही। तुम लाख कोशिश कर लो तुम बच नहीं पाओगे। सच्चाई तुम्हें घर वालों को बतानी ही होगी, क्योंकि वो ये बात नहीं समझेंगे जब तक तुम्हारे मुंह से नहीं सुन रहे। लगता है तुम पागल हो गई हो। तुम ऐसे नहीं मानोगी। सुशील, 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 सुशील! क्या कर रही है तुम? छोड़ो उसे। क्या हो गया तुम? क्या हुआ बेटी? पता नहीं, मुझे देखते ही मेरा गला दबाने लगी। क्या बात कर रही हो? क्या वो पागल है? ये तो आप उसी से पूछिए। समझ में नहीं आता ये मोनिका और रेवती के बीच में क्या दुश्मनी। और मोनिका जब से यहां आई है रेवती कुछ ज्यादा ही परेशान रहने लगी। नहीं ऐसा तो नहीं कि मोनिका और रेवती पहले से ही एक दूसरे को जानते हो? कैसी बातें कर रहे हो तुम? तो मोनिका को हम पहली बार मिले हैं तो रेवती कैसे उसे पहले से जानेगी? तो फिर मोनिका को देखने के बाद रेवती चीखी चिल्लाई क्यों थी? तुम्हें तो बाल की खाल निकालने की आदत हो चुकी है, अब ये बात तुम्हारे दिमाग से निकाल दो।